रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस की मदद से एसओजी शिवगढ़ थाने की पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतखेड़ा गांव का था, जहां शिवकुमार पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम उम्र 55 वर्ष निवासी बेंती निर्माणाधीन जल निगम की टंकी पर चौकीदारी करता था, जिसकी हत्या करने के बाद हत्यारे ने उसके शव को हाथ पैर बांधकर फेंक दिया था। इस हत्याकांड से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्याकांड के खुलासे के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी को भी लगाया गया था। सर्विलांस की मदद से 48 घंटे के अंदर एसओजी टीम ने हत्या में शामिल 6 आरोपी आयुष कुमार, विशाल कुमार, महेश हरगोविंद, विपिन और शुभम साहू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए हत्यारोपियों ने बताया कि चोरी का विरोध करने के कारण हम लोगों ने उसके हाथ पैर बांध कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सामानों में जनरेटर, एक बैटरी, इन्वर्टर सहित घटना में शामिल पिकअप को भी बरामद किया है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सर आज क्या खुलासा हुआ? दिनांक 22 जुलाई 2024 को थाना शिवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की शव मिला था। उसी के संदर्भ में पुलिस द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा तत्काल मौका मुआयना करने के पश्चात 103 BNS की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसी घटना का खुलासा किया जा रहा है। 6 अभियुक्त, जिनका नाम आयुष, महेश, विशाल, हरगोविंद, विपिन और शुभम, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनके पास से आला कत्ल और इन्वर्टर, बैटरी, ये सब चीज़ बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बताया है कि ये घटनास्थल पर इन्वर्टर और बैटरी लेने के लिए गए थे, और जब मृतक ने इसका विरोध किया तो उन्होंने वहीं पर उसके रस्सी से बांध करके उसका गला दबा दिया और इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर ये वो लेकर के चले गए। इसी आधार पर इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें सर्विलांस का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल घटना का खुलासा को लेकर के हुआ है, और पूरी टीम को, शिवगढ़ पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस टीम को 25,000 का हमारे द्वारा इनाम दिया जा रहा है, और भविष्य में इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसमें सर जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले का? इसमें एक अभियुक्त है, उसका आपराधिक इतिहास हमें पता चल गया है। वो लखनऊ से जेल गए हुए थे, और जो शेष अभियुक्त हैं उनके संदर्भ में आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।